हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यमी टमी फ्लेवर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज एंड चीज़ सॉस। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पानी को मैंने बॉईल करने रख दिया है और आलू को मैंने फ्रेंच फ्राइज कट में इस तरह से काट लिया है और इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। पानी जब गर्म हो जाए तो उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दीजिए। अब इसमें डाल देंगे आलू जो हमने कट करके रखे थे। इसको हमें हाफ बॉईल करना है, पूरी तरह से आलू को पकाना नहीं है। तो आप बीच बीच में चेक करिए कि ये हाफ बॉईल हो चुके हैं कि या नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से आप फोक की सहायता से यहाँ बॉईल हो चुके हैं तो अब मैं इसे निकाल लूंगी। अब इसके ऊपर हम ठंडा पानी डाल देंगे जिससे इसका सारा स्टार्च बाहर निकल जाए और इन्हें एक ऐसे टिश्यू पेपर पर इस तरह से फैला देंगे। जो भी इसका वाटर है वो टिश्यू पेपर सोक कर लेगा। ये देखिए, ये अच्छे से सूख चुके हैं, थोड़े ड्राई हो गए हैं। तो मैंने इसे एक बाउल में डाल दिया है और अब इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। अब इसे अच्छे से टॉस कर लीजिए और ये अच्छे से कोट हो गया है। इधर मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम करने रख दिया है और फ्लेम को मीडियम कर लिया है। तो मैं अब इसमें आलू डाल दूंगी। इसे हमने थोड़ा सा फ्राई किया है और इसे आप टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। फिर इसको हम दोबारा फ्राई करेंगे, थोड़ा ठंडा होने के बाद फिर दोबारा फ्राई करेंगे हम इसे। ठंडे हो गए हैं, मैंने इसे दोबारा से फिर से फ्राई करने के लिए डाल दिया है। ये आपके फ्रेंच फ्राइज रेडी हो चुके हैं। अब हम बनाएंगे सॉस। तो पैन को मैंने गरम कर लिया है, इसमें डाला है बटर। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच मैदा और इसे भून लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, सॉल्ट हमें ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हम इसमें चीज़ डालेंगे। अब इसमें डाला है थोड़ी सी लाल मिर्च। अब इसमें डालेंगे 1 कप दूध। और इसे खूब अच्छे से चलाते रहना है।
और फ्लेम हमें बिल्कुल स्लो कर देनी है। ये मैंने चीज़ लिया है, 3 स्लाइसेस लिए हैं, तो मैं इसको डाल दूंगी। ये देखिए ये मेल्ट हो गई है चीज़ पूरी तरह से, तो ये सॉस भी रेडी है और इसकी आप प्लेटिंग करेंगे। तो चीज़ सॉस एंड फ्रेंच फ्राइज रेडी है।